हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैचने वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों OMG 2, जी हाँ दोस्तों OMG 2 पे बातें करेंगे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बोले तो अपने वन वीक में मात्र इस मूवी ने धमाका कर दिया दोस्तों। और आपको बता दूं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 101 करोड़ कंप्लीट कर चुकी है दोस्तों अपने मात्र 7 दिन में। जी हाँ दोस्तों, हालांकि 8वें दिन में किया है, लेकिन 7 दिन बोले तो यार अच्छा लगता बोलने में ना भाई। खैर जो भी है दोस्तों, खिलाड़ी कुमार की ये 16वां मूवी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, खिलाड़ी कुमार की ये 16वां मूवी हो चुकी है जो कि 100 करोड़ कलम में एंट्री हुई है। अब ये सलमान खान के बोले तो साथ में जुड़ चुके हैं, क्योंकि सलमान खान की भी 16वीं मूवी 100 करोड़ कलम में एंट्री हुई थी, किसी का भाई किसी की जान को लेकर दोस्तों। और सलमान खान के बाद अगर हम बात करें अक्षय कुमार का, तो अक्षय कुमार सेकेंड हीरो हो चुके हैं दोस्तों 100 करोड़ एंट्री कलम में करने वाली मूवी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अभी जितने भी फिल्में अक्षय कुमार की रिलीज हुई थी रिसेंटली जो कि फ्लॉप हुई, वो सबको अगर 100 करोड़ कलम में एंट्री हो जाती तो भाई फिर सलमान खान से आगे हो जाते खिलाड़ी कुमार। बट इनकी जितनी भी 4-5 फिल्में हुई रिलीज़, वो 100 करोड़ में एंट्री नहीं हुई, इसलिए सलमान खान के बराबर में है और सलमान खान को टक्कर दे दिया दोस्तों। अब चलो देखते हैं सलमान खान और अक्षय कुमार की नेक्स्ट कौन सी मूवी होती है जो 100 करोड़ में एंट्री होती है। हालांकि सलमान की अगर देखा जाए तो टाइगर 3 100 करोड़ में जाएगी, और अक्षय पाजी की कौन सी जाएगी तो ये वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक रिसेंटली कोई मूवी अनाउंसमेंट नहीं हुई है कंफर्म कि अक्षय कुमार की कौन सी आएगी। खैर कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी टीम को OMG 2 जो कि ब्लॉकबस्टर हो गई दोस्तों। बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय महाराष्ट्र।